हे hey गाइस तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में यानी कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई तो ईयर 1886 में यूजेन गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था एनोड रे एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट था उसी को दोबारा से परफॉर्म करके देखा अब जिन्हें नहीं पता इस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में वो पहले जाकर हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले वीडियो देखें मैं आई बटन में उसके लिंक दे दूंगा अब टॉपिक पे वापस आते हैं तो जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कैथोड रेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे थे तो एट द सेम टाइम कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर भी मूव कर रहे थे समझे बात को तो अब हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस यानी कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा ना और ये पार्टिकल्स पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि एनाइड से बाहर आ रहे थे इसलिए इनका नाम एनॉर्ड रेज रख दिया गया समझे बात को तो फिर कुछ टाइम बाद इसी बेसिस पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड उन्होंने 1919 में एक न्यू सब एटोमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसका नाम रखा गया प्रोटॉन तो अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्रोटॉन्स के डिस्कवरी के दौरान हमें पता चले थे तो फर्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स मास एंड इट्स इंटायर पॉजिटिव चार्ज आर कन्फाइंड इन अ स्मॉल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस यानी कि एक एटम का ज्यादातर मास उसके न्यूक्लियस में ही रहता है और न्यूक्लियस में सिर्फ दो ही चीज होते हैं एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन अब सेकंड पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्पटी स्पेस यानी कि किसी भी एटम का ज़्यादातर जो स्पेस रहता है वो एमपिटी यानी कि खाली रहता है और जो स्पेस खाली नहीं रहता है वो होता है न्यूक्लियस जिसमें सबसे ज़्यादा मास होता है तो अब इसके बाद कुछ प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर लेते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फिर सेकेंड नंबर है कि दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन यानी कि सिंपल है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है कि दीज पॉजिटिव रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि ये जो पॉजिटिव रेज या फिर पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही अपने स्ट्रेट लाइन से अपने स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि मास ऑफ द प्रोटॉन्स इज फाउंड टू बी 1.672 पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ग्राम और इसके बाद फिफ्थ एंड सबसे लास्ट पॉइंट है कि द चार्ज अ प्रोटोन इज़ वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलम्स यानी कि जो प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है वो 1.602 पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलम्स का होता है